पे हम पहुंचे अपने फार्म पे, मुर्गा फार्म पे मनोरा। तो वहाँ पे जब पहुंचे तो मैंने लाइट जलवाई। पिताजी ने पहले हाँक दिया कि राजू राजू, नहीं बोला। हमने कहा अंधेरा है, लाइट जलवा दीजिए। लाइट जलवाने के बाद हमने देखा, पिताजी ने उसकी रजाई खोली तो उसका सर सब सारा ईंटों से कूचा हुआ था और मृत हाल में वहीं पड़ा हुआ था चरपाई पे। और फिर उसके बाद मैंने घर पहुँचे अपने घर पर, सबको सूचना दी, सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। और जो जो विवादित हमारे लोग थे उनका मैंने नाम दे दिया है थाने में, और वही जो कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? कारण थोड़ा विवाद, हल्का विवाद हुआ था बहुत पहले, हमारा उनका पहले विवाद हो चुका था। तो उसी विवाद के चक्कर में उन्होंने कहा था मैं मार दूंगा तुमको जान से। वो मुर्गा फार्म मुर्गा उर्गा लेने आए थे तो मेरे भैया ने मुर्गा मना कर दिया देने को, तो फिर उसने कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने लड़के बुलवाए, 20 लड़के कम से कम बुलवाए बाहर से, पिछली लड़ाई में 20 लड़के बुलवाए और बोले कि नहीं देंगे, इसको पिटवाएंगे। हम घर पे नहीं थे, घर पे हमारे गाली गलौज किया, मारपीट हुई। उसके बाद थाने पहुँचे। मुर्गी खरीदने को के विवाद को लेकर राजेश वर्मा की मृत्यु हुई है, ईंट से इसको चोट लगी है। सिर्फ एक व्यक्ति को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है, जो शेष अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी इसमें।